Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we will be discussing about the subject details of NFTL, that is network filters and transmission lines. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एम डिराइव्ड फिल्टर्स, कि एम डिराइव्ड फिल्टर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं. हमने एनालिसिस किए हाई पास लो पास एम डिराइव्ड फिल्टर्स. तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पिडेंस मैचिंग ऑफ द फिल्टर्स एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल डिस्कस अबाउट द composite filters and the crystal filters, right? So we are done with the prototype filters, we are done with our constant K and M derived filters, and now we will discuss about the impedance matching of filter, which is the next topic. Impedance matching kya hoti hai? Jaise hum logon ko pata hai ki jab bhi humne ek se zyada koi bhi circuits ko aapas mein attach karna hota hai, to fir hame agar full jo signal hai wo फ्रंट जो हमारा एक पहला सर्किट है उससे अगर दूसरे सर्किट की तरफ सेंड करने होते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट अटैचिंग द टू सिग्नल्स. लाइक हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि हमारा जो सर्किट्स जो अटैच हुए हैं आपस में उन दोनों में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो. दिस वी ऑल वॉन्ट, राइट? जब भी हम लोग कोई भी सर्किट बनाते हैं तो इसी तरह से नेटवर्क्स के अंदर भी व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स टुगेदर तो उस टाइम पे भी चाहे वो फिल्टर्स हों चाहे वो सिंपल नेटवर्क्स हों द इम्पिडेंस मैचिंग इज द बेसिक क्राइटेरिया दैट शुड बी मैच्ड सो दैट कि आपका मैक्सिमम सिग्नल जो है वो ट्रांसफर हो फ्रॉम द फर्स्ट नेटवर्क टू द नदर वन या फ्रॉम द फर्स्ट फिल्टर टू द नदर वन, राइट? तो इसलिए इम्पिडेंस मैचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि दो सर्किट्स की इम्पिडेंस जो है वो आपस में मैच करने चाहिए. तो जो फिल्टर होता है जैसे कि हमें पता है कि उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं तो इट इज़ असेंशियल दैट इम्पिडेंस एट ईच जंक्शन इज टू बी करेक्टली मैच्ड एज द करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ एन इक्विवेलेंट पाई और टी सेक्शन डज नॉट मैच विद ईच अदर. तो क्योंकि हमें पता है कि जब हम पाई और टी सेक्शंस की बात करते हैं तो उन दोनों की करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस आपस में मैच नहीं करती है, दे आर डिफरेंट, राइट? रादर दे आर एंटायरली अपोजिट टू ईच अदर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जियो पाई और जियो टी आपस में, राइट? तो इसलिए जब हम टी सेक्शन की बात करते हैं तो इट शुड नॉट बी सिंपली जॉइन टू द पाई सेक्शन. अगर हमने टी और पाई सेक्शन को आपस में कंबाइन करना है तो उनको हम सिंपली कंबाइन या ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. तो उसके अंदर हमें डिज़ायरेबल फैक्टर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. सो अ फिल्टर कंसिस्टिंग ऑफ पाई एंड टी सेक्शंस अगर हमने बनाना है तो एक हाफ सेक्शन जो है वो उनके बीच में हमें एनरोल करना पड़ेगा, उनके बीच में हाफ सेक्शन को डालना पड़ेगा ताकि पाई और टी सेक्शंस की इम्पिडेंस जो है वो आपस में मैच कर पाए. क्योंकि पाई और टी सेक्शंस की जो इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस है वो आपस में मैच नहीं करती है क्योंकि वो असिमेट्रिकल टाइप ऑफ नेटवर्क में आ जाते हैं, राइट? तो इसलिए अगर हमने पाई और टी सेक्शंस को आपस में मिलाना है, आपस में उनको कंबाइन करना है तो बीच में हमें एक हाफ सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. सो राइट, तो इसलिए व्हेन एन एम डिराइव्ड जो सेक्शन है, अगर हमने एम डिराइव्ड फिल्टर सेक्शन की बात करनी है, अगर उसको हमें सेग्रीगेट करना हो हाफ सेक्शंस के अंदर, जो तो इम्पिडेंस होगी एट द पॉइंट ऑफ बाय सेक्शन दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एम. तो वो जो इम्पिडेंस हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ करनी है उसको बाय सेक्शन करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए या उसको हाफ सेक्शन में डिवाइड करने के लिए, तो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? एम की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, जो कि हमें पता है कि एम की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है एंड इट लाइज बिटवीन 0 and 1, राइट? सो इट हैज़ बीन फॉर्चुनेटली फाउंड दैट एम इज इक्वल्स टू 0.6 पे अगर हम लोग वर्क करते हैं सो द इम्पिडेंस जो है एट द बाय सेक्शन रिमेन्स नियरली इक्वल टू आर नॉट एंड इज कॉन्स्टेंट इन एंटायर पास बैंड. तो क्या फाइंड आउट किया है कि अगर एम की वैल्यू 0.6 रखी जाती है तो बाय सेक्शन करने के टाइम पे या हाफ सेक्शन बनाने के टाइम पे जो आपकी इम्पिडेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली आर नॉट की इक्वल रहती है और वो पास बैंड में कॉन्स्टेंट रहती है. तो दैट मीन्स कि हमें एम की वैल्यू को 0.6 रखना होगा इम्पिडेंस मैचिंग करने के लिए. तो यू कैन सी हेयर यहाँ पे हमने क्या किया, एक टी सेक्शन लगाया z1/2 z1/2 z2, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जीओ टी है, राइट? और इसको अगर हमने जीओ पाई के साथ कनेक्ट करना है देन व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे पाई सेक्शन लगा है z1 2z2 2z2, बीच में हमने उनको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक हाफ सेक्शन के साथ, जिसकी जो इनपुट इम्पिडेंस है z1/2 वो
जो टी सेक्शन है उसकी आउटपुट इम्पिडेंस जी वन बाय टू के साथ मैच कर रही है, और जो इसकी आउटपुट इम्पिडेंस है टू जी टू वो पाई सेक्शन की इनपुट इम्पिडेंस टू जी टू के साथ मैच कर रही है. तो जियो पाई और जियो टू को आपस में कनेक्ट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं बिकॉज इनकी इम्पिडेंसेज कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंसेज अलग होती हैं. तो बीच में हम एक हाफ सेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम इन सर्किट्स को आपस में कनेक्ट कर पाएं, राइट. सो इफ अ फिल्टर इज मैच्ड थ्रू आउट द ओवरऑल अटेन्युएशन ऑफ द फिल्टर विल बी सिंपली द सम ऑफ द अटेन्युएशन ऑफ द इंडिविजुअल सेक्शंस ऑफ द हाफ सेक्शन, राइट. अगर हमने फिल्टर्स को मैच करना हो इस तरीके से तो जो ओवरऑल अटेन्युएशन होगी फिल्टर की वो पर्टिकुलर सेक्शन की जो अटेन्युएशन हैं उनको कंबाइन करके उसके हिसाब से हम लोग उसको सम करके निकाल सकते हैं. देयर बीइंग नो इंटरनल रिफ्लेक्शन या मिस मैच लॉस जो है वो बीच में नहीं होगा. सिंपली उतनी ही अटेन्युएशन होगी जितनी कि उन सर्किट्स की होती है, राइट. तो अगर हम चार सर्किट्स लगाते हैं तो चारों की अटेन्युएशन को एड ऑन करके टोटल अटेन्युएशन आ जाएगी. तो अटेन्युएशन तो होनी ही है सर्किट के अंदर, लेकिन इम्पिडेंस मैचिंग ना होने की वजह से या कोई इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से या मिसमैच होने की वजह से कोई लॉसेज एक्स्ट्रा नहीं होंगे अगर हम इस तरीके से फिल्टर्स की इम्पिडेंस मैचिंग करते हैं तो. ओके, तो नेक्स्ट आ गया कॉम्पोजिट फिल्टर. कॉम्पोजिट फिल्टर क्या होता है? जब हम बात करते हैं प्रोटोटाइप फिल्टर की तो अटेन्युएशन जो होती है प्रोटोटाइप फिल्टर की स्टॉप बैंड में वो स्लोली स्लोली इंक्रीज करती है फ्रॉम जीरो. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. लेकिन जब हम एम डिराइव्ड, इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एम डिराइव्ड फिल्टर्स को यूज़ किया. अब एम डिराइव्ड फिल्टर्स के केस में क्या होता है, अटेन्युएशन जो है वो एफ इन्फिनिटी वाली फ्रीक्वेंसी के पास पहुँच के जो कि बहुत क्लोज होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के, वहाँ पर अटेन्युएशन जो है वो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुँच जाती है. लेकिन उसके बाद अटेन्युएशन रिड्यूस होना शुरू कर देती है. तो इस तरह से कुछ अनडिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं. जैसे कि हम लोगों ने देखा एम डिराइव्ड फिल्टर्स की जब हमने अटेन्युएशन कैरेक्टरिस्टिक्स की तो उसमें वी हैव चेक्ड कि अगर एम की वैल्यू हम 0.4 या 0.6 या 0.8 या कोई भी वैल्यू बीच में रखते हैं तो जो उसकी अटेन्युएशन है वो अटेन्युएशन बैंड स्टार्ट होते ही बढ़नी शुरू हो जाती है और इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है. वेरी क्लोज टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है, हाई अटेन्युएशन हो जाती है. लेकिन इंटायर पास बैंड में वो थ्रू आउट अटेन्युएशन जो है वो हाई लेवल पे नहीं रहती है, राइट. इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग आफ्टर दैट, एफ इन्फिनिटी के बाद वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, विच इज़ अ प्रॉब्लम क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो स्टॉप बैंड के अंदर हैं वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पास नहीं होने चाहिए. तो दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ अनडिजायर्ड रिजल्ट्स स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर जो है उसको डिज़ाइन किया गया जिसका नाम है कॉम्पोजिट फिल्टर, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रोटोटाइप फिल्टर्स यानी कि कॉन्स्टेंट के फिल्टर्स होंगे टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ताकि वो ट्रांजिशन हो सके प्रॉपरली एंटायर पास बैंड से स्टॉप बैंड में. वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग फाइंड आउट कर सकें एफ सी को. और वन और मोर एम डिराइव्ड सेक्शंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनफिनाइट अटेन्युएशन इन एट अ फ्रीक्वेंसी क्लोज टू एफ सी. तो दैट मीन्स यहाँ पे कॉम्पोजिट का क्या मतलब है, हमने कंपोज कर दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया किसको, कॉन्स्टेंट के फिल्टर्स को और एम डिराइव्ड फिल्टर्स को, ताकि हम दोनों के एडवांटेजेस को मिक्स करके फिर हम अपना सर्किट जो है, अपना जो फिल्टर है उसको डिज़ाइन कर पाएँ ताकि हमें दोनों के बेनिफिट्स मिल जाएँ, राइट. तो इसमें हमने क्या किया, एक टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन लगा दिया इनिशियली, एक टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन लगा दिया एंड पे. बीच में हमने क्या लगा दिया, दो जो है वो कॉन्स्टेंट के फिल्टर सेक्शंस लगा दिए और दो जो है वो एम डिराइव्ड फिल्टर सेक्शंस लगा दिए. तो एक कॉम्पोजिट फिल्टर ये एक तरीके का बन गया और उसके अंदर टू नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शंस ताकि हमें कॉन्स्टेंट इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो यहाँ पे मिल सके, राइट. उसके लिए ये तीन चीज़ें, तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे लगाई कॉम्पोजिट फिल्टर में. कॉन्स्टेंट के टाइप फिल्टर्स लगाए वन और मोर, एम डिराइव्ड फिल्टर्स लगाए वन और मोर, और टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शंस लगाए इनपुट और आउटपुट साइड के ऊपर ताकि इम्पिडेंस मैचिंग प्रॉपरली हो सके. और इसको लगाने से, कॉम्पोजिट फिल्टर को लगाने से जो हमारे अटेन्युएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हुए, यू कैन सी हेयर ये स्टॉप बैंड है. पास बैंड में तो अटेन्युएशन का कोई चक्कर ही नहीं है तो उसमें तो हमने नोट नहीं करना इस चीज़ को, राइट. अगर हम कॉन्स्टेंट फिल्टर के सेक्शन लगाते हैं तो उसमें वो कुछ इस तरह से जाती है, इन्फिनिटी पे नहीं जाती है, जो अटेन्युएशन है वो कम रहती है. लेकिन जब हम एम डिराइव्ड सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें वो कुछ इस तरह से जाती है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से वो आराम से बढ़नी शुरू हो जाती है, इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से
कम हो जाती है, लेकिन जब अगर हम कॉम्पोजिट फिल्टर लगाते हैं तो ये दोनों जो हैं वो एड ऑन हो जाती हैं, राइट, मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं इनके इफेक्ट्स, जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो जब अगर कंबाइन हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि एफ सी के अराउंड ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो अटेनुएट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो इमीडिएटली रिड्यूस नहीं होता है बट थोड़ा थोड़ा कम होता है, लेकिन वो अटेनुएशन ज़्यादा लेवल पे, हाई लेवल पे ही रहती है प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अकेले अकेले कॉन्स्टेंट के या एम डेराइव्ड फिल्टर्स लगाते हैं तो वो डिज़ायरेबल अटेनुएशन को अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हमने उन दोनों को कंबाइन करके एक कॉम्पोजिट सेक्शन बना दिया तो इस कॉम्बिनेशन में जो अटेनुएशन है वो रैपिडली राइज करती है अप टू एफ इन्फिनिटी, लेकिन मार्जिनली फॉल कर रही है, इमीडिएटली फॉल नहीं करती है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कॉम्पोजिट फिल्टर्स। तो इसलिए हम लोग कॉन्स्टेंट के और एम डेराइव्ड फिल्टर्स के कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं जब हमने अटेनुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स को मोस्टली नोट डाउन करना होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो हमारे फिल्टर्स आ गए उनका नाम है क्रिस्टल फिल्टर्स। एज यू ऑल नो, आपने ईडीसी में भी पढ़ा है क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल के हमने एम्पलीफायर सर्किट्स जो ऑसिलेटर सर्किट्स जो थे वो हम लोगों ने यूज़ किए थे उसके अंदर। तो क्रिस्टल की एक बहुत खासियत होती है कि वो अपनी जो भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करता है वो स्टेबल रहती है, राइट। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ योर क्रिस्टल्स, राइट। तो इस क्रिस्टल सर्किट के अंदर, इस क्रिस्टल फिल्टर के अंदर हम लोग पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑपरेट करवाते हैं या यूज करते हैं। पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी भी सरफेस पे मैकेनिकल स्ट्रेन डाला जाता है, मैकेनिकली उसको प्रेस किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है एक साइड पे, राइट, अगर जो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसको अगर हम एक साइड से मैकेनिकली प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसकी दूसरी साइड से ईएमएफ इंड्यूस होगी, ऑपोजिट सरफेस ऑफ दैट पीस पे ईएमएफ इंड्यूस होगी। या इसका रिवर्स, अगर हम किसी एक साइड पे पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं, उसे उसको अप्लाई करते हैं बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द पीस, तो इट कॉजेज अ मैकेनिकल डीफॉर्मेशन, राइट। तो वो मैकेनिकल स्ट्रेन जो है, मैकेनिकल जो डीफॉर्मेशन है वो मैकेनिकली वाइब्रेट करता है या मूव करता है अपनी पोजीशन से अगर उसे ईएमएफ यानी कि वोल्टेज अप्लाई की जाती है, राइट। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, कि दोनों चीज़ें होती हैं, अगर मैकेनिकली प्रेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रिकली उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो मैकेनिकल वेरिएशन में आ जाता है। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द क्रिस्टल फिल्टर, राइट। और लेकिन स्लाइस जो हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल से कट करते हैं उसकी भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इट बिहेव्स इलेक्ट्रिकली एज अ रेजोनेंट सीरीज रेजोनेंट सर्किट ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी फैक्टर। जो आपका क्रिस्टल फिल्टर सर्किट है उसका क्वालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह वर्क करता है, राइट। सो इट इज़ अ नेचुरल, इट इज़ रेजोनेंट एट अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ द स्लाइस। तो वो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन होती है वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है, राइट। तो अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है उसकी स्लाइस को हम दो मेटल प्लेट्स के बीच में रख देते हैं तो इट बिहेव्स लाइक एन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर जो इक्विवेलेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सी एस क्रिस्टल जो सीरीज में लगाया गया है या कैपेसिटर, एल एंड आर आर द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द क्रिस्टल, और सी पी जो कैपेसिटेंस लगाई जाती है बिटवीन द फेजेस ऑफ द क्रिस्टल। तो आपने क्रिस्टल का जो सिंबल है वो देखा होगा, तो उसमें दो प्लेट्स के बीच में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का पीस लगाया जाता है, राइट। तो जो सी पी है वो उस पीस की तरह, क्रिस्टल के कैपेसिटेंस के पीस की तरह काम करती है, और सी एस एल और आर जो है वो इक्विवेलेंट ऑफ द क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं, जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे अपनी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं सी एफ आर पे, राइट, विच इज ऑल्सो द मैकेनिकल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल्स। दिस सर्किट ऑल्सो हैज एन एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी होती है जिसको हम एफ ए बोलते हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ सी पी बाय सी एस, दैट इज एफ ए बाय एफ आर के अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी 1.004, राइट। दिस इज द क्रिस्टल प्लेट, ये क्रिस्टल पीस है और साइड्स में क्या है, मेटल प्लेट्स हैं, और इसका इक्विवेलेंट अगर आप बनाओ तो वो कैसा होगा, सी एस एल और आर दे विल बी इन सीरीज इन पैरेलल विद द कैपेसिटेंस सी पी। ये जो सी पी है वो क्रिस्टल पीस की कैपेसिटेंस है और जो ये मेटल प्लेट्स प्रोवाइड कर रही हैं हमें वो सी एस एल और आर की तरह हमें
जो अटेन्युएशन है या जो इम्पिडेंस है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो CSL और CP की होती हैं, वो होती हैं L इज इक्वल्स टू 115 XY बाय Z हेनरी होती है, C इज इक्वल्स टू 0.0032 YZ बाय X माइक्रो माइक्रो फैरड्स, और CP जो होता है वो 0.4 YZ बाय X माइक्रो माइक्रो फैरड्स, जिसमें X, Y और Z जो हैं दे आर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. X इज द लेंथ, Y इज द ब्रेथ एंड Z इज द हाइट ऑफ द क्रिस्टल जो यहाँ पे यूज हो रही है. L के अंदर एक्स वाई बाय जी, जी के अंदर सॉरी सी के अंदर वाई जी बाय एक्स, और सी पी के अंदर भी वाई जी बाय एक्स. तो ये दोनों सेम हैं, जिसमें ब्रेथ और हाइट ऊपर रहते हैं और लेंथ नीचे रहती है. लेकिन L के केस में लेंथ और ब्रेथ हम कंसिडर करते हैं और डिवाइडेड बाय द हाइट होती है, राइट? तो आर जो है इट इज़ वेरी लो फॉर द क्रिस्टल. जो आर की वैल्यू है वो क्रिस्टल के केस में बहुत ज़्यादा कम होती है, और उसका क्यू फैक्टर बहुत हाई होता है. 5000 से 20000 की रेंज में इसका क्यू फैक्टर होता है. तो जब हम क्रिस्टल फिल्टर्स को यूज़ करते हैं तो दे आर लाइक फाइव टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फिल्टर्स व्हाट वी यूज इन आर फिल्टर सर्किट्स. सिंगल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, टी टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, लेटेस्ट टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर एंड ब्रॉड बैंड लेटेस फिल्टर. तो तीन तरह के क्रिस्टल बैंड जो क्रिस्टल फिल्टर्स हैं, फाइव टाइप्स के क्रिस्टल फिल्टर्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं. तो आज हम सिंगल क्रिस्टल बैंड पास और डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. बाकी तीनों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंगल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर. तो इसके अंदर हमने क्या किया, इनपुट सर्किट लगाया, इनपुट पे ट्रांसफार्मर लगाया, आउटपुट पे ट्रांसफार्मर को हमने सॉरी इनपुट साइड पे ही जो ट्रांसफार्मर लगाया उसकी इनपुट साइड पे हमने इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया, और जो सेकेंडरी है जो प्राइमरी पे तो इनपुट मिल गई, सेकेंडरी साइड को सेंटर टैप किया और उसके साथ हमने आउटपुट ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया. लेकिन इसके साथ में क्या क्या कनेक्टेड है, क्रिस्टल. सिंगल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर है तो वो सिंगल क्रिस्टल सर्किट जो है उसके साथ कनेक्ट होगा, साथ में एक सी डैश उसकी फीडबैक नेटवर्क के अंदर, और एक सी पी जो कि वेरिएबल बनाया गया है. ये सी पी क्या है, जो आपके अंदर का क्रिस्टल की वैल्यू है, राइट? तो उसको फिर उसके साथ क्या किया, हमने आउटपुट ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके वहां से आउटपुट कलेक्ट करी है. तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, दिस इज अ क्रिस्टल फिल्टर जो यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है, वेयर इट रिप्रेजेंट्स अ लो इम्पिडेंस एट इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और ये क्रिस्टल सर्किट जो है वो लो इम्पिडेंस शो करता है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इम्पिडेंस एट इट्स एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. मींस कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ पे XL इज इक्वल्स टू XC होगा, उस पोजीशन पे ये सर्किट मिनिमम इम्पिडेंस शो कर रहा है, और बाकी जगहों पे मैक्सिमम इम्पिडेंस आ रही है एट ऑल द अदर फ्रीक्वेंसीज. तो जो अगर हम अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं इस फिल्टर सर्किट की, तो वो किस तरह से बनेगी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द अटेन्युएशन विल बी मिनिमम, एट एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इट विल बी द मैक्सिमम. FR और FA, FR इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, FA इज एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज पे अटेन्युएशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है. दिस इज द अटेन्युएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल फिल्टर, राइट? तो इसके अंदर जो कैपेसिटेंस CS है उसको हम वेरी कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द बैलेंस्ड कैपेसिटर. CP जो हमने लगाया है वो वेरिएबल है, उसको अगर आप वेरी करोगे तो उसकी हेल्प से CS की वैल्यू, CS की कैपेसिटेंस जो है, आपके क्रिस्टल की कैपेसिटेंस जो है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो. दस द एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को हम ऑल्टर कर सकते हैं. और ये वाले जो टाइप्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं ये जनरली हम यूज करते हैं टू ट्रांसमिट सिग्नल विद वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड टू अटेन्युएट अदर फ्रीक्वेंसीज कम्प्लीटली. तो इसको हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को अगर आप ट्रांसमिट करना चाहते हो और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हो, तो उस जगह पे, क्योंकि क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, राइट? तो दैट इज वाई इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहती है. तो दैट इज वाई इसको आप वहाँ पे यूज कर सकते हो जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हो, राइट? और जो सी डैश है इट इज यूज टू क्रिएट द एंटी रेजोनेंट सिग्नल, राइट? अगर हमने अब डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर को यूज करना है तो क्या करेंगे, सिंपली क्या किया, जो सी डैश था उसको हटा दिया, दो
जो हमारे जो क्रिस्टल फिल्टर्स हैं वो हमने यूज़ किए यहाँ पे, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का पार्ट यूज़ किया यहाँ पे, राइट, और सीपी हमने साथ में उसके लगा दी ताकि उसकी वैल्यू को हम लोग वेरी कर सकें, उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको वेरी किया जा सके. तो डबल क्रिस्टल में क्या किया, दो क्रिस्टल्स यूज़ किए वन की जगह पे, बैलेंस कैपेसिटेंस सीपी यूज़ किया जिसको हाई वैल्यू पे यूज़ किया है. अगर बैलेंस कैपेसिटेंस सीपी की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो जो टोटल कैपेसिटेंस है ऑफ द सेकेंड फिल्टर वो इंक्रीज़ करती है, और जिसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ जो है, वो सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो भी चेंज होगी. और इस तरह का जो फिल्टर सर्किट है इट प्रोवाइड्स अ पास बैंड अप टू अबाउट 1% ऑफ द मिड बैंड फ्रीक्वेंसी. मिड बैंड फ्रीक्वेंसी से 1% तक वो पास बैंड जो है वो प्रोवाइड कर सकता है. दिस इज बेसिकली अ बैंड पास फिल्टर, राइट. तो वहाँ पे जब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे हमने सिंगल क्रिस्टल की बात करी, तो वहाँ पे एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पास ऑन हो रही है, वहाँ पे बैंड ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पास ऑन नहीं हो रही हैं, क्योंकि बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज पे अटेन्युएशन हाई है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के. लेकिन यहाँ पे जब हमने डबल क्रिस्टल फिल्टर यूज़ किया तो उसमें उसकी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो बढ़ गई. तो फ्रीक्वेंसी की रेंज बढ़ने की वजह से हमारे पास जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं वो लोअर और अपर एजिस पे आ गई. तो 1% जो है उसके आसपास का सिग्नल जो है वो सारा पास बैंड के अंदर आ गया. तो जो इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स हैं वो किस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होंगे, मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज पे ट्यून होंगे. एंड द आउटपुट्स फ्रॉम द टू क्रिस्टल्स दे आर इन एंटी फेस. जो आउटपुट्स हैं दोनों क्रिस्टल्स की वो एंटी फेस के अंदर है, क्योंकि एक क्रिस्टल पॉजिटिव साइड पे कनेक्टेड है, दूसरा नेगेटिव साइड पे कनेक्टेड है, वो एंटी फेस है. लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पे उनको ट्यून किया गया है इनपुट और आउटपुट को, वो मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज है F1 और F2, राइट. सो जो ये फिगर है इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो अटेन्युएशन है इट इंक्रीजेज इन द सेंटर ऑफ द पास बैंड. यहाँ पे थोड़ी सी राइज कर रही है फ्रीक्वेंसी, लेकिन साइड्स पे जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अटेन्युएशन जो है वो राइज कर रही है, वहाँ तक हमारा जो पास बैंड है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे अटेन्युएशन जाके मैक्सिमम हो रही है. तो मींस इसके बीच के जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे पास हो सकते हैं. लो अटेन्युएशन कहाँ पे आ रही है, सिर्फ F1 पे और F2 पे, जहाँ पे दो क्रिस्टल्स वर्क कर रहे हैं, राइट. तो इस तरह के जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं वेयर द बैंडविड्थ इज लेस देन 1% ऑफ द मिड बैंड फ्रीक्वेंसी. तो बैंडविड्थ जो होती है ये मिड बैंड फ्रीक्वेंसी का 1% सिर्फ होती है, और इस तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं, राइट. सो नेक्स्ट इज योर टी टाइप क्रिस्टल फिल्टर्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अभी के लिए आप लोग यही चीज को माइंड में रखो कि किस तरह से हमारा क्रिस्टल फिल्टर वर्क करता है. हम सिंगल क्रिस्टल फिल्टर्स और डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर्स बना सकते हैं. इम्पिडेंस मैचिंग कैसे होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इम्पिडेंस मैचिंग की, एंड अलॉन्ग विद दैट कॉम्पोजिट फिल्टर्स जो हैं वो कैसे अकेले प्रोटोटाइप और अकेले एम डिराइव्ड फिल्टर से बेटर है, राइट. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू. इफ स्टिल देर विल बी एनी डाउट्स वी विल बी टेकिंग देम लाइव. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.